सो हे व्हाट्सअप गाइस, क्या सब सभी लोग मैं आ चुका न्यू ब्रांड वीडियो लेके। गाइस आज की ये वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, तो लास्ट शुरू से एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को ऑल पर करना मत भूलना। अगर बात तो आज इस वीडियो के बारे में, तो यार आपको पता होगा आज 8 तारीख एंड आज 8 था एंगल 0.0। तो उसके लिए आ चुका है ये कि पैच नोट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं आपको बताता हूँ इस पैच नोट पर क्या क्या है। तो हम लोगों को मिलता है एक ब्रांड न्यू रेंगल मोड, जिसके अंदर हमें मिलते हैं कुछ न्यू न्यू एलिमेंट्स एंड हम लोगों को मिलेंगे अपने अपग्रेडेड ग्राफिक्स, और साथ ही साथ हम लोगों को मिलेगा अपना रॉयल पास 15 का थीम जिसको हम कहते हैं बियॉन्ड डेज। एंड हम लोगों को मिलेंगे कुछ चीयर पार्क के अंदर इंटरेक्ट करने के लिए कुछ अच्छे अच्छे मोड्स और ट्रेनिंग ग्राउंड में। अगर बात को आगे की हो तो हम लोगों को ये जो अपडेट है वो मिलेगा हम लोगों को इस 8 तारीख, आज से लेकर 13 सितंबर तक, 13 सितंबर तक। और जो हम लोग को साइज़ होने वाला है वो होने वाला है 1.8 अपने एंड्रॉयड वालों के लिए, एंड 2.17 होने वाला है आईओएस वाले के लिए। तो जो भी मेरे भाइयों हों एंड्रॉयड और आईओएस वाले, अपने फ़ोन में स्पेस ज़रूर रखना, क्योंकि अपडेट काफ़ी बड़ा होने वाला है एंड आप लोगों को पता है ये कितना खास होने वाला है। एंड अगर मैं बात करूँ आई, तो हम लोगों को मिलते हैं कुछ बीपी एंड कुछ एजी एंड साथ ही साथ एक मिलेगा बैकपैक 3 दिन के लिए। एंड अगर चलूँ आगे क्या हम लोगों को क्या क्या अपडेट्स होने वाले हैं, तो हम लोगों को मिलेंगे क्लासिक में एक न्यू रैंगल मोड जैसे कि 2.0। उसके अंदर हम लोगों को मिलेंगे कुछ न्यू विजुअल्स जैसे कि अपडेटेड स्काई, लैंड, वाटर एंड कुछ वेजिटेशन के, इन लोगों की टेक्सचिंग जो है ना वो सब काफ़ी एकदम रियलिस्टिक होने वाली है, जैसे उनकी डिटेलिंग्स वगैरह। अगर बात करूँ आगे की, तो हम लोगों को मिलेंगे कुछ बिल्डिंग से चेंज, जैसे उन लोगों के स्ट्रक्चर्स, उन लोगों का कलर, थोड़ा कलर वो सब उन लोगों को चेंज मिलेगा। एंड तो इसके अंदर मिल्टा पावर चेंज से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन है, मतलब मिल्टा पावर में क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, मतलब आप लोग सब लोगों को पता होगा, मतलब मिल्टा पावर पूरा का पूरा रीडिज़ाइन हुआ है, उसके स्ट्रक्चर से लेकर उसकी बिल्डिंग तक सब कुछ रीडिज़ाइन हुआ है, क्लासेज वगैरह सब कुछ। तो वो काफ़ी अच्छी बात होने वाली, क्योंकि मिल्टा पावर पूरा चेंज हो चुका है। अगर बात करें तो हम लोगों को क्वारी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगी, जैसे उनके टेटन के स्ट्रक्चर्स वगैरह, उनके लेआउट्स ऑफ बिल्डिंग्स की। एंड हम लोगों को कुछ मिलेंगे कुछ 7 तरीके के न्यू वेयर हाउस, काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। एंड अगर देखा जाए तो आगे हम लोग को मिलेंगे कुछ लूटिंग के ऑप्शन भी काफ़ी सारे। एंड प्रिजन में हम लोगों को मिलेंगे कुछ टेरेटेन स्ट्रक्चर्स को अपग्रेडेड वर्जन, एंड अपना मिलेंगे आसपास सराउंडिंग्स में कुछ अजीब सी, मतलब कुछ नए टाइप सी बिल्डिंग्स होंगी शायद भी, आपने ऐसे लोगों की वीडियो में देखा होगा। एंड आगे जाके हम लोगों को प्ले जोन के अंदर कुछ नए टाइप के रिसोर्सेज मिलने वाले हैं शायद भी। एंड अगर बात करें न्यू मैप एलिमेंट्स की, तो हम लोगों को वहाँ पे मिलेंगे कुछ ट्रेंचेज, वुडन बैरिकेड्स एंड अबैंडन्ड टैंक्स भी मिलेंगे जो डिस्ट्रॉयड हुए होते हैं। एंड हम लोग कुछ मिलेंगे कवर, मतलब कुछ कवर ऐसे हम लोग फाइट लेते हैं ना, फाइट लेते हैं हम लोग कुछ कवर के लिए चाहिए, हम लोग वो भी मिलेंगे उसके साथ साथ। एंड आगे हम लोग को कुछ अच्छा सा बैटल फील्ड एटमोसफेयर मिलेगा एरेंगल के अंदर, तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर। अगर बात करें आगे की, तो हम लोग को मिलेंगे कुछ बिल्डिंग से स्ट्रक्चर्स चेंज हुए हुए, जैसा सब लोग पता पोचिंग किए हुआ क्या, बिल्डिंग से स्ट्रक्चर्स पूरे चेंज कर देंगे, उल्टा पूरे ऑल ओवर मैप के चेंज कर देंगे, तो काफ़ी अच्छी बात लगी मेरे को ये, क्योंकि हम पूरे 1 साल से वेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। एंड इन लोगों ने पूरे के पूरे टैक्टिक्स जो है, मतलब सराउंडिंग वाला जो है पूरा एटमोसफेयर पूरे का पूरा चेंज कर दिया गया इसके अंदर। अगर बात करें आगे की, तो उन लोगों ने बेसमेंट्स बनाए हुए हैं कुछ घरों के अंदर, इसकी वजह से हम लोग उनके अंदर कैंपिंग भी कर सकते हैं, या कैंपर्स होते हैं जो कैंपिंग करेंगे, उसको हम लोग को स्मैश करके अंदर जाना पड़ेगा बेसमेंट के अंदर। काफ़ी अच्छी बात लगी, काफ़ी लोग कभी इसको हिल बैठा था वो उस चीज़ के लिए हेल्प कर सकते हैं। अगर बात करें आगे के लिए, तो हम लोग को मिलता है एक लिविक के अंदर कुछ अपग्रेड, जैसे कि उसके अंदर हमें मिलेगी एक नई वेपन जिसका नाम है M1014, वो शेल भी शॉटगन होती है। एंड हमें एक मिलेगी एक शॉटगन जिसका नाम यही है, हाँ इसका नाम यही है M104। तो इसके अंदर हम लोगों को मिलेंगी अपनी शॉटगन वाली एमोज, इसके अंदर हम लोगों की 7 राउंड्स मिलेंगे रोटेट करने के लिए। एंड अगर बात करें इस गन के बारे में, तो ये काफ़ी अच्छी गन होने वाली है, इन्होंने कहा है मतलब ये क्लोज रेंज की सबसे खतरनाक गन होने वाली है। तो यार देखते हैं बाकी क्या होगा इस गन के बारे में। वैसे भी शॉर्ट गन तो मेरे लिए है ही अनलकी, तो कोई फ़ायदा है नहीं, मैं यूज़ करूँगा नहीं, बट फिर भी ये काफ़ी अच्छी गन होने वाली है, जिस सबसे लोग बता रहे हैं कि मतलब क्लोज रेंज में बहुत खतरनाक गन होने वाली है। एंड इसके अंदर आप लोगों को मजल्स और इसके बुलेट प्रूफ लगाने के लिए भी जगह मिलेगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड अगर देखा जाए आगे के लिए, तो उन लोगों ने बताया है कि लिविक के अंदर लोगों ने कुछ विजुअल्स की विजुअल इफेक्ट्स में उनके इम्प्रूवमेंट कर गया, वो काफ़ी अच्छी बात है। अगर देखा जाए आगे की ओर, तो उन्होंने बताया कि कुछ इन्होंने इम्प्रूवमेंट करे उनके रॉक्स के टेक्सचर्स को लेके, जो काफ़ी स्मूथ कर दिए हैं, एंड कुछ वाटर को डिस्प्ले के लेके, मतलब वाटर की रिफ्लेक्शन वगैरह होती है उनको लेके। एंड आगे मॉन्स्टर ट्रक जो है ना, उसको थोड़ा जो दूर का डिस्टेंस होता है हम लोग दिखता नहीं इजिली, उसको भी काफ़ी बेटर कर दिया, तो हम लोग दूर से इजिली देख सकते हैं भाई मॉन्स्टर ट्रक खड़ा है या नहीं खड़ा हुआ। बात करें आगे की, तो लोगों ने वाटरफॉल जो होता है ना उसका जो डिस्प्ले है उसको काफ़ी स्मूदर कर देगा, उसके टेक्सचरिंग करेंगे। एंड कुछ हम लोगों को कर देंगे इम्प्रूवमेंट वाटरफॉल्स
जब हम पास जाते हैं उसके उसके पास हम लोग को थोड़ा अजीब लगता है, मतलब फ्री फायर थोड़ी फीलिंग देता है, वो वैसे थोड़ी नहीं देगी, बाकी देखते हैं कैसा लगता है हम लोग को वहाँ जाके। एंड इन लोगों ने कुछ इम्प्रूव करा है कुछ लैंडिंग को लेके, जैसे हम लोग लैंड करते हैं पैराशूट से उस चीज़ को लेके। एंड बात करें आगे की और, तो इन लोगों ने कुछ लगाया है कुछ बैलेंसिंग स्टेज लगाया है, कुछ एडजस्टमेंट करी है, वो देखते हैं क्या होता है, बाकी अभी तो कुछ पता नहीं क्योंकि अब तक खुला भी नहीं है। एंड बात करें आगे की और, तो इन लोगों ने कुछ करा है वाटरफॉल की जो डेप्थ होती है इन लोगों ने वो भी इंक्रीज़ कर दी गई है। एंड हम लोगों को वेजिटेशन की जो डेंसिटी है हम लोग को वो भी थोड़ी बहुत मिलेगी कुछ अपर लेफ्ट एरियाज़ के आसपास। एंड अगर बात करें आगे की, तो इन लोगों ने कुछ बोट्स को रिप्लेस करा है, जो बड़ी बोट्स होते हैं उनको रिप्लेस करा है छोटी मिनी बोट्स, जिसको हम कह सकते हैं स्पीड बोट, काफ़ी छोटी छोटी, जैसे यार छोटी छोटी लेक्स होती हैं आसपास में, जो घरों के आसपास जो निकलती हैं, वहाँ पर बड़ी बोट चलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसके इसके लिए ये काफ़ी बेटर अपडेट करा है लोगों ने कि बस छोटी जो स्पीड बोट है वो वहाँ पर ईजिली भाग सकेंगे और ईजिली मुड़ भी सकेंगी, तो काफ़ी अच्छा लगा ये। एंड अगर बात करें आगे की, तो इन लोगों ने कुछ सब माइनर चेंज करेंगे सप्लाई ड्रॉप से रिलेटेड, एंड कुछ ग्रास डिस्ट्रीब्यूशन करी गई है, वो हम सब लोगों को पता है, लव ग्रासेस को, लव कुछ 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 जगह पे ज़्यादा ग्रासेस कर दी गई है, वो काफ़ी अच्छी बात है, सांप बोले तो ज़्यादा अच्छी बात है उल्टा, क्योंकि वो सांप बने वहाँ पे। साथ ही साथ इन लोगों ने जो फ्लोटिंग एंड क्लिपिंग ऑब्जेक्ट्स के जो होते थे ना बग्स वगैरह, इन लोगों वो भी चेंज करें, एंड साथ ही साथ गैप्स जो थे टेरिटरी में वो भी सही करे गए हैं। एंड इसके अंदर इन लोगों ने जो मॉन्स्टर ट्रक जो स्टक हो जाता था वॉल में वो भी सही करा है, एंड साथ ही साथ जो ट्रीज डिसअपियर हो जाते थे इन लोगों ने वो वाला बग भी ठीक करा है। साथ ही साथ बियॉन्ड द थीम जो गेम प्ले होएगा इसके अंदर इन लोगों ने एक ऐड करा है एक मिस्टीरियस एनर्जी टावर, इसके अंदर आप लोग इसके पास जाके कुछ रिडीम्स कर सकते हो कुछ सप्लाईज़ को। एंड साथ ही साथ इन लोगों ने ये जो इवेंट है ये आएगा एरेंगल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, क्योंकि इस टाइम में ये जब इवेंट अनेबल होगा ना तब आप सब इसको एरेंगल मैप में ही खेल सकते हो। एंड अगर बात करें आगे, तो इन लोगों ने कुछ अपग्रेड्स करें कुछ ईवो ग्राउंड से रिलेटेड, जिसके अंदर आप लोगों को मिलेगा अपना अपना प्ले लोड 0.0 जो कि कमिंग सून में है, और उसके अंदर कुछ नए नए टाइप के इंप्रूवमेंट करेंगे, वो देखते हैं क्या होता है। एंड आदत साथ ही साथ इन लोगों ने इम्प्रूव कर उसके अंदर फुली आर्मर्ड व्हीकल एंड आर्मर्ड हेलीकॉप्टर एंड कुछ अलग टाइप के, जैसे आप लोगों ने बाकी वीडियो में देखा होगा, मतलब बहुत सारे टाइप्स के नए नए यूएस डासिया बाकी सब पिकअप जो भी हैं सबको आर्मर्ड वाले बना रखे हैं, जिसमें आप लोगों को थोड़े गोली कम पड़े थोड़े कम चांसेस होंगे आप लोगों ने देखी होंगी। एंड साथ ही साथ हम लोगों के नहीं मिलने वाले नई वेपन, जिसका नाम है 84 लेजर गाइडेड एंड एक मिसाइल है ये, और एक मिलेगी आपको M202 जो है कुछ बैरल रॉकेट लॉन्चर। ओ माय गॉड, ये काफ़ी अच्छा होने वाला है, मज़ा आएगा देखते हैं। साथ साथ आपको मिलेगा एक यूएवी कंट्रोलर जो कि काफ़ी बेटर लगा, और एक बॉम्ब सूट भी मिलेगा आपको, ये भी अच्छी बात है। एंड बात कर आइए, तो हम लोग को मिलेगा एक हेलोवीन मोड की तरफ से अपना इन्फेक्शन मोड, जो कि आएगा 23 अक्टूबर को। यार मैं इसका काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था इन्फेक्शन मोड का, एंड यार ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड साथ साथ देखा जाए तो ये थोड़ा लेट आएगा बट आ ज़रूर है। एंड अगर बात करें आगे की, तो हम लोगों को मिलेगा अपना जॉम्बी वियर हेलोविन मास्क, ये एक अच्छी चीज़ होने वाली है, और एक हम लोगों को मिलेगा न्यू टाइप का एटमोसफेयर क्योंकि हेलोविन से रिलेटेड होगा। तो बात करें आगे की और, तो हम लोगों को कुछ मिलेंगे न्यू सिक्योरिटी परफॉर्मेंस रिलेटेड जो कि इम्प्रूव करी गई है, तो उसके अंदर इन लोगों ने इम्प्रूव करा गया अपना जो स्पेक्टेड मोड में जो एक्सपेंड होता था स्कोप का, उसको वो ज़्यादा जो ग्लिच है उसको वो ठीक करा गया है, उस वजह से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी। बात करें आगे की और, तो हम लोग को मिलते हैं साथ ही साथ इन लोगों ने इसके अंदर कुछ हैकर से रिलेटेड की जो इन्फॉर्मेशन होती है उन सबको थोड़ा स्ट्रिक्ट रखने के शायद ट्राई कर रहे हैं। एंड अगर बात करें आगे की, तो इन लोगों ने कुछ ग्राफिक क्वालिटी को लेकर अपग्रेड करा है, जैसे कि इन लोगों ने कुछ फैसिलिटी की जो करेक्टर के जो मॉडल होते हैं उसके हेयर से रिलेटेड जो टेक्सचरिंग है उसको एकदम रियलिस्टिक करने की ट्राई करी है। आई मीन ट्राई नहीं, मतलब करा गया, तो हम देखते हैं उन लोगों को कैसा एक्सपीरियंस मिलता है उसके न्यू न्यू अपग्रेड से लेके। एंड साथ ही साथ इन लोगों ने जो एक्शंस होते हैं मोबाइल मोड के अंदर स्विच करने के, उससे इससे रिलेटेड भी लोगों ने कुछ अपग्रेड करा है एक्शन मोड के अंदर। एंड अगर बात करें आगे की, तो लोगों ने कुछ अपग्रेड करे हैं गन चेकिंग के लिए, जैसे हम लोग गन चेक करते हैं उसको भी लगे कुछ इंप्रूवमेंट करा है, वो तो मैच में जाकर पता चला कि लोगों ने क्या इंप्रूव करा है, ऐसे कुछ समझ में आने रहता ना। अगर बात करें आगे की, तो इन लोगों ने कुछ नेचुरल ट्रांजिशन बिटवीन एनिमेशन ड्यूरिंग पैराशूट ड्रॉप्स एंड लैंडिंग्स को लेकर कुछ इफेक्ट सही करा इन लोगों ने, एंड उन्होंने विजुअल इफेक्ट भी इंप्रूव करे इसके अंदर। साथ ही साथ इन लोगों ने आगे बताया कि लोगों ने कुछ इंप्रूवमेंट करी गई बिल्डिंग्स और टेरिटरी ट्रांजिशन को लेके बिटवीन जोन के बीच में, जैसे जोन जब आगे जाता है तो हम लोग जो ब्लू जोन जब आ जाता है तो उसके बीच में जो सीन रहता है ना एनिमेशन रहती है उस चीज़ को थोड़ा सही करा गया, देखते हैं क्या मतलब क्या सीन है उसका वो। अगर बात करें आगे की, तो हम लोगों को कुछ मिलते हैं इन लोगों की क्वालिटी इंप्रूव करी थोड़ी लाइटिंग की, गिविंग वेजिटेशन एंड द स्काई मोर लेड लुक, थोड़ी अच्छी बात है, मतलब काफ़ी अच्छा लुक मिलेगा तो यार ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा हम लोगों को। एंड ब्रे एक्सपीरियंस के यार हम लोगों को गेम अच्छी लगती नहीं एक्चुअली। एंड बात करें आगे की, तो लोगों ने कुछ ऐड करा है न्यू वाटर सर्फेस ऑप्टिमाइजेशन एंड कुछ रिफ्लेक्शन इंप्रूव करी, यार ये काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे हम लोग इस रिफ्लेक्शन का, या मतलब हम लोग अगर HD ग्राफिक्स या फिर बैलेंस ग्राफिक्स में खेलेंगे तो हम लोग को थोड़ी हेल्प मिलेगी, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा जब हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे वाटर्स वगैरह की ट्रीज वगैरह की। साथ ही साथ इन लोगों ने
करेक्टर्स के जो पिकिंग के जो ऑप्शन होते हैं, जैसे पिक जैसे गन पिकअप करता है करेक्टर वगैरह वगैरह, जैसे उस सबसे रिलेटेड लोगों ने जो इनकी जो एनिमेशन है काफ़ी अच्छा स्मूथ और अच्छा बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए काफ़ी अच्छा ट्राई करा है। तो ये अपडेट अच्छा लग रहा है मेरे को। बाकी आगे देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है हम लोग उस अपडेट के अंदर। इसके अंदर वो बताया गया कि आप लोगों को क्रॉस ईयर से रिलेटेड जो आपका जो क्रॉस ईयर हो जाए ना, आप उसको खुद को भी एडजस्ट कर सकते हो होलोग्राफिक रेड डॉट और छोटे छोटे साइट्स के अंदर। एंड बात करें आगे कि तुम लोगों ने कुछ इम्प्रूव करा है एनिमेशन को, जिसके अंदर बताया गया कि जैसे आप लोग जब फायरिंग करते हो या फिर कुछ ब्लास्ट इफेक्ट होता है, इन लोगों ने वो भी इम्प्रूव करा है। अगर बात करें आगे की सबसे मेन इंपॉर्टेंट की अपडेट की, तो उसके अंदर आप लोगों को मिलता है अपना न्यू 90 FPS, जो कि कुछ डिवाइसेज में सपोर्ट करेगा, जो कि करना भी चाहिए। एंड अगर बात करें आगे कि तो इन लोगों ने इम्प्रूवमेंट करी है टारगेट को लेके, जिसके अंदर बताया इन लोगों ने कि जब जो टारगेट आता था तो लैग हो जाता था, वो इन लोगों ने थोड़ा कम करा गया, वो अच्छी बात है क्योंकि बहुत से लोगों का बहुत ज़्यादा लैग हो जाता था इस समय में। अगर बात करें आगे कि तो इन लोगों ने इम्प्रूवमेंट करी है कुछ क्लासिक मोड बैलेंसिंग को लेकर, जिसके अंदर इन लोगों ने टॉमी गन के अंदर अपना रेड डॉट को ऑप्शन दे दिया है फाइनली। एंड थोड़ी उसकी ना जो फायरिंग स्पीड ऑफ रेट है वो थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। एंड सेम ये चीज़ अभी 45 के साथ है, उसके अंदर उसका रेट ऑफ फायर भी एंड उसके अंदर जो डैमेज है थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दी गया है। एंड उसकी जो फाइल उसकी जो बुलेट थोड़ी जो ड्रॉप थी वो भी थोड़ी कम कर दी गई है। वैसे भी पहले यूजलेस गन ही थी ये, तो अच्छी बात है। एंड अब मेन थिंग या जो DVS थी ना वो पहले ड्रॉप में आ जाती है, एंड अब से वो ड्रॉप में नहीं मिलेगी आप लोगों को, अब से आप लोगों को नॉर्मल ग्राउंड मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब भी मिलती थी मेरा सर हमेशा चकराता था खामखा यूजलेस गन जो थी ये। एंड अब बात करा कि तो इन लोगों ने अब दिया क्या कुछ क्लासिक कॉम्बैट ऑपरेशन से लेके, जिसके अंदर इन लोगों को बताया गया कि आप लोगों को बेटर ट्रांजिशन बिटवीन मिलेगा आपको स्टैंडिंग एंड क्राउचिंग के बीच में। ये अच्छी बात है, देखते हैं क्या मज़ा आता है इसके अंदर। एंड आप लोगों को एक बुरी खबर देने है कि आप लोगों को अब जो मेडकिट जो आप लोग वो स्प्रिंट करके नहीं लगा सकते। हाँ जी, इसके अंदर साफ साफ लिखा है जैसे आप लोग मेडकिट लगाओगे तो आप लोग स्प्रिंट करके नहीं यूज़ कर सकते। एंड आप लोगों को पता होगा कि जायरो जो है वो अब थोड़ा ज़्यादा बेटर काम करेगा आपके थ्रोएबल्स के बीच में। यस, इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है। एंड जब भी आप जंप करोगे तो वो आपका लेफ्ट साइड टू राइट साइड हो चुका है। जब आप पैराशूट जंप करते हो ना, जब आपको बटन आता है वो पहले लेफ्ट साइड था वो राइट साइड आ गया, तो ये थोड़ा अजीब होने वाला है। बाकी ये बात रहा है कि तो इन्होंने ट्रक मॉन्स्टर ट्रक का जो मॉडल था उसके जो क्लिपिंग थोड़ी रिड्यूस कर दी गई है। बाकी देखते हैं कि क्या है इसके अंदर एंड क्या नहीं, वो तो गेम के अंदर जाके पता चलेगा उसका एक्सपीरियंस लेके आने का। बात करें आगे तो उसके अंदर ये कुछ अरीना से रिलेटेड, बाकी उसके अंदर हम लोग को मिलने वाला है एक, इन लोगों ने इसके अंदर कुछ फायरिंग जब हम लोग जो इनविजिबल होते हैं जो फायरिंग से रिलेटेड कुछ लोगों ने कुछ ऐड करा है, कुछ हटाया क्या है फायरिंग से रिलेटेड जब हम लोग इनविजिबल होते हैं। साथ ही साथ इन लोगों ने इसके अंदर हम लोग जो स्लाइड करते हैं उसका जो एनिमेशन वगैरह, इन लोगों की जो टेक्सचरिंग वगैरह सब कुछ है वो पूरे पूरा चेंज कर दिया। सब लेफ्ट या राइट जाओगे ना वो सब इन लोगों ने चेंज कर दिया गया स्लाइड के वक्त। अगर बात करें आगे तो इन लोगों ने कुछ ऐड करा है न्यू लॉबी एंड कुछ कॉम्बैट ग्राफिक्स रिलेटेड, इसके अंदर हम लोग को चेयर पार्क और ट्रेनिंग ग्राउंड में हम लोग को अपडेट्स मिले हैं। जैसे कि जैसे आप लोग कभी भी इसके अंदर जाओगे चेयर पार्क के अंदर वगैरह वगैरह, तो आप लोगों को कुछ नए टाइप की चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि हम लोग को एक मिलेगा एक नए टाइप का हार्ट टाइप आइलैंड अपने चेयर पार्क के अंदर, वो 23 अक्टूबर से मिलेगा हम लोगों को। बाकी बात करते हैं आगे की और, तो हम लोगों को कुछ मिलेंगे नए टाइप के टारगेट शूटिंग्स और टारगेट शूटिंग मिलेंगे हम लोगों को। एंड अलग अलग टाइप के हम लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड में चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि इन लोगों ने साफ साफ लिखा है जैसे अब आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में एंटर करते हो तो सब लोगों को अपना इंडिविजुअल ट्रेनिंग ग्राउंड मिलेगा। यार अगर ये बात है ना तो काफ़ी अच्छी बात होने वाली है, क्योंकि हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं ना काफ़ी सारे जो नूबड़े लोग होते हैं वो खामा खा उंगला के करते हैं, एंड मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, फ्रस्ट्रेटेड करती है वो चीज़। मतलब भाई हम लोग तो ट्रेनिंग करने आए तो हम लोग हमारे में उंगल कर रहे हो। बात करें आगे की तो लोगों ने कुछ शेडो से रिलेटेड कुछ इंप्रूवमेंट करी गई चेयर पार्क के अंदर, जिसके अंदर लोगों ने बताया है कि इसके अंदर कुछ न्यू कॉम्बैट से रिलेटेड कुछ चीज़ बताई गई है। वो पता नहीं क्या है वो, तो भाई मैच में जाके पता चलने कुछ कुछ चीज़ें, वैसे अब इतना पता चलता भी नहीं है तब तक हम ढंग से करें या फिर देखें नहीं उसको। बात करें आगे की और तो इन लोगों ने बताया था आपको कि एक लोगों ने न्यू आइलैंड बनाया जो कि है रोमांटिक हार्ट आई शेप्ड आइलैंड, जो कि हम लोगों को मिलेगा चेयर पार्क के अंदर। उसके आसपास हम लोगों को मिलेगा एक पैराशूट आई मीन अपना जो हॉट एयर बलून होता है ना वो भी, ताकि वहाँ जा सकें। साथ ही साथ हम लोगों को मिलेगा एक डेकोरेटेड आइलैंड भी, जो कि वही हम लोगों को वहाँ पर काफ़ी सारे टू सीटर स्विंग भी मिलेंगे एंड कुछ रोमांटिक बोट्स भी मिलेंगे। यार थोड़ा कपल टाइप फीलिंग नहीं दे रहा ये चीज़ थोड़ी, बाकी देखते हैं गेम में आगे एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज़ का क्या मज़ा है इस चीज़ का। एंड बात करें आगे और हम लोग को मिलने वाला है एक्सट्रीम अरीना, जिसका नाम है चेयर पार्क एक्सट्रीम अरीना, जो कि हम लोग को मिलने वाला है 23 अक्टूबर को। साथ ही साथ हम लोगों को मिलेगा इसके अंदर अब साथ ही साथ अब लोग आप लोगों को ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग ग्राउंड में आप लोगों को मॉन्स्टर ट्रक भी मिलेगा, जो कि सब चेयर पार्क का जो हेलोवीन है ड्यूरिंग हेलोवीन मोड अब वो तभी मिलेगा आप लोगों को। एंड साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज़ और मिलेगी जैसे कि एंड साथ ही साथ आप लोगों को कुछ मिलेंगी इंप्रूवमेंट आई मीन डेकोरेशन मिलेंगे आपको चेयर पार्क के अंदर हेलोवीन से रिलेटेड। एंड बात करें आगे की तो आप लोगों को मिलेगा कुछ सिस्टम इंप्रूवमेंट से लेके,
इसके अंदर इन लोगों ने बताया गया है कि जो हम लोग को जो लॉबी में जो लॉबी होती थी ना गेम में, जो लॉबी होती थी इन लोगों ने पूरी पूरी चेंज कर दी है उस चीज़ से रिलेटेड। एंड अब हम लोग खुद को उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि इन लोगों ने बताया गया है क्या कुछ कंट्रोल्स थे इनको इम्प्रूव करा गया, उसकी प्रायोरिटीज डिस्प्ले होती थी उसको चेंज करा गया है। एंड साथ ही साथ इन लोगों जो मेन लॉबी में जो कम्बाइंस होते थे ना, इन लोगों ने पूरा का पूरा वो चेंज करा गया है। आप लोग उसके अंदर खुद के हिसाब से स्क्वाड की जो फॉर्मेशन होती थी, जब स्क्वाड जब आती थी, जब फॉर्मिंग होती थी, वो चीज़ पूरी चेंज आप कर सकते हो खुद भी। आई मीन उसको काफ़ी अच्छा कस्टमाइज करा गया है। एंड साथ ही साथ आप लोगों को इन्वाइट का ऑप्शन होता, आप उसको भी चेंज कर सकते हो, आपका जो फ्रेंड का सिस्टम था वो भी। एंड साथ ही साथ अपडेट तो इन्होंने करा गया, अब आपका जो पर्सनल स्पेस होगा ना, वो आप लोगों को जब भी आप लोग लेफ्ट साइड से स्वाइप करोगे आपका खुद का पर्सनल स्पेस खुलेगा, एंड जब भी आप राइट से स्वाइप करोगे तो आपका एक स्टोर इन्फॉर्मेशन खुलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बात करें तो आप लोग सोशल लॉबी को भी अपग्रेड कर सकते हो पर्सनल स्पेस के अंदर। एंड साथ ही साथ आप लोग शो भी कर सकते हो कि आपको शो करने या नहीं वगैरह वगैरह। एंड आप लोग अपने फायर एम्स वगैरह सब सेट कर सकते हो, जैसे आप लोगों ने बाकी वीडियोस देखा होगा कि आप लोग कम से कम अपने खुद के 5-6 टाइटल्स एंड 5-6 व्हीकल्स शो कर सकते हो स्टोर के अंदर, फिर अपने स्टैट्स के अंदर। तो ये सब आने वाला है इसके अंदर। बात करें आगे की, तो इन लोगों ने कुछ अपग्रेड करा कुछ सिस्टम से लेकर, जैसे कि इन लोगों ने बताया गया है कि इन लोगों ने कुछ रीस्ट्रक्चर करा गया है बेटर एक्सपीरियंस के लिए। जैसे कि इन लोगों ने बताया है कि आप लोग जब भी इंटरफेस करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने शेयरिंग इंटरफेस और आरपी करते हो, तो ये सब इन लोगों ने चेंज करा गया है। आई मीन मुझे समझ नहीं आ रहा ये है कि, बट फिर भी देखते हैं क्या है इसके अंदर, अगर गेम खोल के पता चलेगा। एंड आप लोगों को मिलेगा साथ ही साथ आप लोगों का रॉयल पास 15, आप सभी लोगों को पता ही होगा। एंड यार ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, बहुत ज़्यादा, तो यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बाकी इसके अंदर बताओ मैं और इसके अंदर है क्या क्या, तो इन लोगों ने बताया कि आप लोगों को मिलेगा एक नए टाइप का लेआउट, यूआई लेआउट इम्प्रूवमेंट, देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। बाकी कुछ स्विच टाइप से रिलेटेड है आप लोग, स्क्रीन से रिलेटेड, ये मुझे कुछ समझ आ रहा, बाकी देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। एंड आगे बाकी आगे जाके बात करें तो इसके अंदर आप लोग को मिलेगा नए टाइप का रिवॉर्ड, कुछ नए टाइप के परचेज जब आप क्रेड्स खोलते हो आपको उस टाइप के नए नए रिवॉर्ड्स मिलेंगे इसके अंदर। एंड अब बात करें आरपी से रिलेटेड, तो लोगों ने आरपी के जो पॉइंट्स का जो एक्यूमेशन है ना, वो सब चेंज करा गया है, इम्प्रूव करा गया है। साथ साथ इन लोगों ने कुछ चेंज करा गया है फ्रेंड नोट्स रिलेटेड, जैसे कि इन लोगों ने बताया इसके अंदर कि आप खुद अपने बंदे के हिसाब से उनके नोट्स बना सकते हो अपने फ्रेंड्स के लिए, एंड उनका निक नेम भी लगा सकते हो अपने फ्रेंड्स के लिए, ये काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। बाकी बात है आरपी सब्सक्रिप्शन से लेके, तो लोगों ने आरपी सब्सक्रिप्शन में कुछ चेंज करा गया। जैसे लोगों ने बताया कि इसके अंदर जो आरपी प्लस सब्सक्रिप्शन जो होता है, जो प्राइम प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, इसके अंदर लोगों ने चेंज करा है। जैसे जो 300 यूसी वाउचर थी, इन लोगों ने चेंज कर दी गई है इसके अंदर, एक्सेप्ट 900 यूसी जगह, आपको ईजियर कर देगी आपके रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करने के लिए। जैसे कि आपको पता था कि पहले 900 यूसी वाउचर था, अब उसको 300 कर देगा, तो थोड़ी अच्छी बात होने वाली है। एंड साथ साथ इन लोगों ने रिडिम्शन कुछ चेंज करा आरपी पॉइंट से रिलेटेड, बाकी पता चले वो क्या है। एंड जो रूम होते थे उसके अंदर लिविक मैप था, उसके अंदर एक्सपेक्टेड मोड नहीं था, अब वो आ चुका है। एंड तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर राउंड थोड़ा अच्छा लगे तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करना मत भूलना। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। एंड साथ साथ आप लोगों को गुड न्यूज़ कि आप लोगों को जैसे पता होगा कि पबजी जो है वो प्ले स्टोर से हटा दी गई और ऐप स्टोर से, तो आप लोग अपडेट कैसे करोगे आज, तो उसकी आप टेंशन ना लो। मैं आज एक खुद की डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे अपडेट कर सकते हो पबजी जैसे ही उसका अपडेट आएगा। तो आई होप से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तब तक के लिए पीस आउट एंड सायोनारा। Bored in a house and I'm in a house boy. Bored in a house and I'm in a house boy. Bored in a motherfucker in a house boy. Bored in a motherfucker in a fucking in a. Bored in a house and I'm in a house boy. Bored in a house and I'm in a house boy. Bored in a